नमस्कार दोस्तों, वेट वाइप चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लेमेनाइटिस। लेमेनाइटिस हम उसे बोलते हैं जो नी और हूफ के बीच में जो हड्डी होती है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसे हम लेमेनाइटिस कहते हैं। इस मैंस की हिस्ट्री ये थी कि कई दिनों से इस भैंस को बार बार बुखार और ये भैंस सूखती जा रही थी और दूध भी बहुत ही कम कर दिया था। फार्मर ने 6 से 7 दिन इलाज करके देखा, इसका कोई रिजल्ट नहीं आया, तो फाइनली हमें कॉल किया गया तो हमें एग्जामिन के लिए इस भैंस को क्रश में लेके आए कि अच्छे से हूफ की एग्जामिन की जाए और पता चल सके कि इस भैंस को क्या बीमारी है, रूट ऑफ कॉज क्या है जो हम रिमूव करेंगे तो उससे ये भैंस बिल्कुल ठीक हो जाएगी और भैंस को कोई भी दिक्कत नहीं है। ये एक पैर ज़मीन पे बिल्कुल भी नहीं लगा रही कई दिनों से, तो इस भैंस का एग्जामिन करेंगे और आप देख ही रहे होंगे कि कितनी पतली होती जा रही है ये भैंस। जब हमने इस भैंस का हूफ एग्जामिन किया तो देखा कि इस भैंस के हूफ में पस पड़ चुका है और बहुत ही ज़्यादा मवाद निकल रहा है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है टिशू। जब हमने हाथ लगा के देखने की कोशिश की तो पता चला कि इसके बीच में एक बहुत ही बड़ी नीडल लग चुकी है, घुस चुकी है, जिस वजह से ये मवाद है और इसको बार बार एंटीबायोटिक देने की बावजूद भी ये पस क्यों नहीं क्लियर हो रही। ये देखिए कितनी बड़ी नीडल है जो बीच में से अब निकलेगी। ये देखिए बहुत ही बड़ी नीडल है जो बीच में से निकली है, इसकी वजह से इसको टेटनस भी हो सकती थी और ये मवाद जो पस है ये इसलिए नहीं जा रही थी। सेरोपेप्टिडेट, एक्लोफेनिक और पैरासिटामोल बोलस ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है इसको पेन किलर देने का, और एंटीबायोटिक हम पेंसिलिन ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम रोज़ नई एक ट्रीटमेंटल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालते हैं।